उपमंडल फतेहपुर के अंतर्गत पड़ती ग्राम पंचायत बाड़ी के गांव बाड़ी का संपर्क अन्य क्षेत्रों से कट गया है। अब गाँव वासियों को करीब 5 किलोमीटर तक लंबा सफर तय कर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग जसूर तलवाड़ा पर स्थित कस्बा धमेटा के समीप कैलबड़ बाड़ी मार्ग भूस्खलन के चलते ध्वस्त हो गया है। बस उनका सानू इधर बचाने वास्ते या थोड़ा या ज्यादा की बची जाए, ज्यादा जो बच गया वो ज्यादा नुकसान है। रियाली का सबको पता है, रियाली और नीचे वाला क्षेत्र जो है जहाँ पर व्यास का पानी ज़्यादा आ गया था, लेकिन उसके अलावा भी जो बारिश हुई है पिछले 3 या 4 दिन में, तो हमारी कम से कम 5 या 6 पंचायतें और हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से या तो रास्ते अवरुद्ध हैं या और कोई समस्याएं हैं, मकान ढह गए हैं, मतलब पानी जो है एक लेवल से ऊपर आ गया है। तो आज उन्हीं को देखने जा रहे हैं विभागों के साथ। तो अभी इस समय हम बाड़ी पंचायत में हैं, तो बाड़ी का जो मेन रोड है जो उनको जसूर रोड से जोड़ता है, तो उसके बीच में एक जगह जो है वो स्लाइड हो गया है। तो पिछले 2 दिन से ये स्लाइड है और इसको हटाकर किस तरीके से रास्ते को दोबारा सुचारू रूप से चलाना है इसके बारे में डिस्कशन है। और बाकी जो बाकी 4-5 पंचायतें हैं आज उनको विजिट करके जो भी एक्शंस करने वाले हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के, उनके ऊपर जो है आज बात करेंगे। इसके अलावा रियाली में जो रेस्क्यू था वो कम्प्लीट हो गया है? रियाली में रेस्क्यू लगभग कंप्लीट है, और एक अच्छी बात ये भी है कि जो डैम का स्तर है वो 1400 फुट से अब घट के लगभग 1396 पे आ गया है, और जो पानी का फ्लो है वो पानी का फ्लो भी जो 1400 से 1,40,000 1,50,000 क्यूसेक था वो लगभग 1,10,000 1,15,000 पे जो है स्टेडीली आ गया है।